नीति से पहले जाना चाहिए, उसके बाद जो भी आए। रोजगार मिलना चाहिए हम लोग को, काम मिलना चाहिए, पढ़ लिख के भी रोजगार घर में बैठे हैं। बढ़िया नेता होना चाहिए, जिससे होगा बढ़िया उसको वोट देंगे। आप बताइए आप क्या करते हैं? वही चाहते हैं हम भी, जो अच्छा से देश चलाए। नमस्कार, आ गई है आप सबकी भौजी सोनम भौजी आप लोगों से चटपटी गपशप करने के लिए। आज मैं यहाँ कोयला डिपो डिक्शन मोड़ पे आई हुई हूँ। आइए जानते हैं यहाँ की जनता के मन में क्या है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि चुनावी माहौल पूरा गर्म है और बयानबाजियों का दौर भी काफी जोर शोर से चल रहा है। नेताओं की रैली जोर पकड़ चुकी है और ऐसे में जनता और नेताओं से सवाल जवाब लगातार जारी है। चलिए जानते हैं यहाँ पे जनता के मन में क्या सवाल है। आइए हमारे साथ। नमस्ते चाचा, कैसे हैं? ठीक है। ये बताइए कि चुनाव का समय है, नजदीक है बिल्कुल, तो ऐसे में क्या कहना है आपका, भागलपुर में इस बार कौन आना चाहिए? जिसका ज्यादा बहुमत रहेगा वही ना आएगा आगे। बहुमत नहीं, आपका क्या राय है, कैसा सरकार होना चाहिए? अच्छा सरकार होना चाहिए। अच्छा सरकार होना चाहिए, इनका कहना है कि अच्छा सरकार होना चाहिए। इनसे पूछें चाचा, चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया नेता होना चाहिए। भागलपुर में जो अभी व्यवस्था है उससे बिल्कुल खुश है? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो बाहर का हूँ। और चाचा बाहर के हैं, आइए चलते हैं इनसे पूछते हैं। चाचा खड़े लग रहे हैं। चाचा जी आप ये बताइए कि चुनाव का समय है, ठीक है, बस बिल्कुल नजदीक है चुनाव, तो आपको क्या लगता है कैसा सरकार होना चाहिए? गठबंधन की सरकार होना चाहिए। गठबंधन क्यों, और अभी जो वर्तमान में है वो ये काम नहीं उतना किया है जितना होना चाहिए था। जैसे क्या काम नहीं हुआ? मुझे तो लग रहा है कि काफी सुधार हुआ है। रोड तो दिखते हैं एकदम, भागलपुर तो स्मार्ट सिटी बन गया है। भागलपुर बना है, लेकिन यहाँ भागलपुर से लेकर के कहलगांव तक की जो रास्ता है वे बदहाल है। आप बताइए चाचा कि चुनाव का समय कैसा नेता होना चाहिए? नेता तो अच्छा होना चाहिए कम से कम देश के लिए, ऐसा नहीं कि चारा घोटाला कर दे। चारा घोटाला कर दे, यहाँ तो कोई नहीं किया है। करने वाला किया है, बहुत किया है। क्या लगता है भागलपुर में कुछ सुधार होना चाहिए? सुधार तो जरूर होना चाहिए। यो भैया फोने पे बिजी हैं। हेलो, कितना बिजी रहते हैं ये बताइए। चुनाव आ गया है तो ना बिल्कुल नजदीक है, कैसा नेता होना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो नीतीश जी पहले जाना चाहिए, उसके बाद जो भी आए। तो अभी कोई चेहरा दिख नहीं रहा है, बाकी बात अभी सोचने पे मजबूर है कि किसका चेहरा अच्छा होना चाहिए। जी सोचने पे मजबूर है। इनसे पूछते हैं कि भागलपुर में क्या सुधार की कोई गुंजाइश है? पता नहीं मैडम, देखना पड़ेगा। ऐसा नेता होना चाहिए? नेता तो बीजेपी सबसे बढ़िया, बीजेपी का कोई भी है। अभी जो वर्तमान में सरकार, मतलब जो आपके सत्ता में थी, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे या आपको क्या लगता है उनके जो काल में, उनके शासन काल में क्या सुधार हुआ है, कितना कुछ प्रगति पे है? उन्हें सुधार करने की जरूरत है। सही है, वैसे बढ़िया चल रहा है बीजेपी का, बीजेपी का होना चाहिए आदमी। चलिए सुधार की जरूरत है, आगे चलिए। आप बताइए चाचा, चुनाव जो नजदीक है कैसा नेता होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब कि बिहार को, जो कि बिहार को जनता को कमी है कुछ, वो पूरा होना चाहिए। जो जनता को कमी है वो पूरा होना चाहिए। इनसे पूछते हैं चाचा, बैठे हैं अकेले अकेले, ये बताइए कि चुनाव है तो भागलपुर में क्या होना चाहिए, इस बार कौन आना चाहिए? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसको नहीं समझ में आ रहा है? सुनने के बाद ना, चुनाव है तो वोट देने तो जरूर जाइएगा, ऐसा नेता होना चाहिए। हमने झोपड़ी छाप में देंगे। क्या झोपड़ी छाप? झोपड़ी छाप। चाची चुनाव आ गया है, मतलब नजदीक है, तो कैसा नेता होना चाहिए? बढ़िया नेता होना चाहिए, जिसको जो बढ़िया उसको वोट देंगे। आप बताइए आप क्या कहते हैं? वही चाहते हैं हम भी, जो अच्छा से देश चलाए, हमारा जो है शहर अच्छा बनाए। भागलपुर में अभी तक क्या सुधार हुआ है, क्या कुछ प्रगति पे है? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, इनको कुछ नहीं पता है। चलिए आगे चलिए, आगे चलते हैं। नेता कैसा होना चाहिए? गठबंधन का होना चाहिए। अच्छा, और कोई मतलब भागलपुर में जो व्यवस्था, आप उससे कितना जो है संतुष्ट है? व्यवस्था तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं है। आगे क्या वर्तमान, मतलब जो अभी है, कुछ आगे भी डेवलप होना चाहिए या बस ऐसे जो चल रहा है? नहीं नहीं डेवलप होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया, आप बताइए कि आपको क्या लगता है? नेता बढ़िया होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए हम लोग को, काम मिलना चाहिए, पढ़ लिख के बेरोजगार घर में बैठे हैं। इनका कहना है कि पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगारी एक समस्या है। आइए इनसे पूछते हैं, आप बताइए कि भैया चुनाव का समय है तो क्या होना चाहिए, इस पर कैसा नेता होना चाहिए? नेता जो भी होना चाहिए बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। आगे आगे पूछते हैं,
चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए आपको क्या लगता है? हम क्या बोलेंगे, जो होगा सब ठीक होगा, जो होगा सब ठीक होगा। आप लोग बताइए, आप लोग का क्या राय है भैया? बोला तो आप लोग का क्या राय है? नेता तो मोदी ठीक है, मोदी ठीक है। चलिए आइए इनसे पूछते हैं। आप बताइए कि चुनाव मतलब नजदीक है, बिल्कुल आपके सामने है, चारों तरफ नेताओं की रैली देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए? जी होना चाहिए। कैसा नेता होना चाहिए? तेजस्वी। तेजस्वी, चलिए इनसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है? इन्होंने तो बताया कि बदलाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो अभी तो नया सरकार बनना चाहिए मैडम, वही तेजस्वी होगा, आरजेडी का युवा नेता है, वो ध्यान भी अभी अच्छा से करेगा। और 15 साल तो नीतीश कुमार तो बर्बाद कर दिया देश को, अभी तक करते हैं तो 15 साल से वो तो थे, मतलब आप ही लोग तो चुनाव दिए हैं, जिता रहे हैं, तो बिना कुछ काम किए तो 15 साल वो टिके नहीं होंगे। युवा सबको दिया कहाँ कुछ, दारू बंद किया, दारू फिर भी तो 200 का बदले में 600 रुपया बिक, दारू तो बंद है, बिक रहा है ब्लैक में ना, 500-200 का दारू 1000 रुपया मिल रहा है ना। तो आप बताइए भैया, बुरा बिजी लग रहे हैं फोन पे, ये बताइए कि चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस बार? नेता बिल्कुल वैसा होना चाहिए जो देश के लिए कुछ करे, ऐसा सेट के लिए कुछ करे। रोड खराब पड़ा है गांव क्षेत्र में, वो सब भी उस सब पे सुधार करे, पानी बिजली की व्यवस्था बढ़िया करे, ये भाई लोग के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, और क्या कर सकता है, हर कोई तो यही कहेगा। नमस्ते आप लोगों को, ये बताइए कि बिल्कुल चुनाव नज़दीक है, क्या आपके भागलपुर शहर में जो भी व्यवस्था है आप उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं? व्यवस्था से तो संतुष्ट है, ये है पब्लिक जब यहाँ का है तो व्यवस्था से तो संतुष्ट होना ना पड़ेगा। और बोलिए तो इस बार नेता कैसा होना चाहिए? बस जो पुराना है वही फिर रहेगा, वही फिर रहेगा। आप लोगों का क्या राय है? बस जो पुराना था वही रहेगा, ठीक पुराना, हाँ बिल्कुल सही काम है। आप बताइए आपका क्या राय? एकदम वही है, सही है, एकदम वही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ भागलपुर का जो है वो सही है। आप बताइए चुनाव का समय है कि कैसा नेता होना चाहिए? नेता बढ़िया होना चाहिए जो काम साफ सुथरा करे, यहाँ पे भागलपुर कोई चीज विकास नहीं है, पब्लिक का मन है, किसी को वोट दे अपना मन है, यहाँ पे हम लोग खुद तकलीफ में, कभी कोई सा प्रॉब्लम है, कुछ रोड का प्रॉब्लम है, कौन आज तक कोई कुछ नहीं किया, रोड का प्रॉब्लम है क्या बाबा, क्या कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं क्या? ये बताइए चुनाव का समय है, कैसा नेता होना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो एकदम काम करने वाला नेता चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए। चलिए आप बताइए भैया कैसा नेता होना चाहिए? नेता नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए, एकदम नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो, बड़ा तेजी में चलती है, यही बताइए भाभी जी के सवाल का जवाब देते जाइए, कैसा नेता होना चाहिए इस बार भागलपुर में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के तरह का कुछ बदलाव होना चाहिए भागलपुर में? यहाँ हाईवे बनना चाहिए। भाभी जी के सवाल का जवाब दीजिए, ये बताइए बिल्कुल चुनाव नजदीक है, कैसा नेता होना चाहिए? राजेश वर्मा के जैसा। राजेश वर्मा, क्या कुछ मतलब सुधार होना चाहिए भागलपुर में? होगा ही, होगा, चलिए इनको विश्वास है कि होगा। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, कि जो है कि चुनाव नजदीक है, कैसा नेता होना चाहिए? नेता जो विकास कर रहा हो वही नेता होना चाहिए, विकास कर रहा है वही नेता होना चाहिए। आप बताइए कि कैसा नेता होना चाहिए? बस जो देश का विकास करने वाला सही नेता होना चाहिए, देश का विकास करे वो सही नेता होना चाहिए। चलिए आज की गपशप हम यहीं खत्म करते हैं, दीजिए भाभी जी को इजाजत, फिर मिलेगी आप सबकी भाभी सोनम भाभी मतलब भौजी, तो फिर हम मिलते हैं नए जगह पे, नए एपिसोड के साथ, नए लोगों के साथ, नए गपशप के साथ, तब तक हमको दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे।